फाइनली हम जा रहे हैं बोट, हमारा कांच पीछे रह गया। आया अपना एंट्री करने जा रहे हैं बोट के अंदर। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना, तो इधर बहुत सारे पैसेंजर्स का डाउट था कि ओ नो भागो 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 भागो। अरे वो तो अभी भाईंदर स्टेशन आ गए और अभी हम जाएंगे भाईंदर वेस्ट। वो हम आगे वीडियो में बताएं कि हम भाईंदर वेस्ट क्यों जा रहे हैं। तो अभी हम पहुंच गए भाईंदर वेस्ट में। ये भाईंदर वेस्ट स्टेशन का डेकोरेशन कैसा लगा आपको कमेंट करके बता दे। हाँ तो भाईंदर स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको भाईंदर फोर्ट मिल जाएगा। भाईंदर फिश मार्केट के कहते हैं इसे, तो यहीं से आप फेरी ले सकते हैं। अरे 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तुम लोग ने कर, अगर आप वॉक नहीं कर सकते तो आप रिक्शा भी ले सकते हो। रिक्शा आपका कुछ 30 रुपया ले लेगा, इससे अच्छा वॉक करके भी जा सकते हो। और यहाँ पे आपको सॉल्ट एग्रीकल्चर भी दिखेगा, नमक की खेती। यहाँ पे बैनर लगा है रो रो फेरी करके, यहाँ से भी जा सकते हैं, पर ये आपको फिश मार्केट का रास्ता है। इधर बहुत बांस मारेगा, इसके लिए ये स्पेशली फेरी के लिए ओपन किया है ये रोड। तो कोशिश कीजिए आप उजाले में आने का, नहीं भी डेंजर हो सकता है अंधेरे में कान में। नहीं यहाँ पे डेंजर का कुछ खतरा नहीं है, रेलवे इलाका है, इधर रेलवे स्टॉप रहेगी आगे आती है, तो ऐसा कुछ डेंजर तो नहीं। वैसे भी 7:30 को लास्ट फेरी रहती है, तो वैसे भी आप रात में आ नहीं सकते। तो ये यहाँ से आप अपनी गाड़ी भी ले सकते हो, जा सकते हैं 4-व्हीलर 2-व्हीलर 3-व्हीलर साइकिल, जो भी आपके पास वाहन है वो यहाँ से ले जा सकते हैं। तो भाईंदर से सिर्फ 300 मीटर होगा मैक्सिमम, तो बेटर है हम वॉकिंग करके जाएं तो अच्छा है। अगर अगर आपको यहाँ से वसई फोर्ट घूमना है, बाय कार घूमना है, तब कार ले जा सकते। हाँ तो हमारे पीछे ये RPF कॉलोनी है, यहाँ पे RPF के जवान रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे सुविधा दी गई है रहने की। तो यहाँ पे इतना रात को टेंशन नहीं है, आ सकते हो आप आराम से, कुछ खतरा नहीं है इधर, लूट मार नहीं होता इधर, आराम से आइए घूमिए। और तो हम पहुँच गए अभी भाईंदर जेटी, भाईंदर फोर्ट, और यहाँ जहाँ से हमें हमारी बोट पकड़नी है वैसे ही के लिए वहाँ पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से अभी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और एडवेंचरस होने वाली। तो ये वही जगह है जहाँ पे हमने आपको यहाँ का इंट्रोडक्शन दिया था कि यहाँ से फेरी चालू होने वाली थी। हम आपको इसका इनॉग्रल नहीं दिखा पाए क्योंकि उस वक्त हम किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उसकी वीडियो भी जल्दी आने वाली है इसी चैनल पे, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम आपको इसका कमर्शियल रन दिखाते हैं, जो कि अभी ट्रायल बेसिस पे है, जल्दी है और तेज़ी से ग्रो करेगा। अभी फ़िलहाल शायद एक ही फेरी चला रहे ऐसा पता चला है। तो ये ब्रिज है जो कनेक्ट करती है भाईंदर को नायगांव वसई से, और वसई नायगांव को भाईंदर से। तो अभी देखते हैं फेयर डिटेल्स, क्या फेयर है, कैसा फेयर है, सब आपको बताएंगे वीडियो में ही जल्दी। यहाँ पे लगी है लाइन टिकट निकालने के लिए। बाइक का 60 रुपया रहेगा, 60 रुपये आदमी का नहीं, मेरे सिंगल रहेगा बाइक रहेगा तो 60 रुपया, डबल आदमी रहेगा तो 90 रुपये, 60 रुपये नहीं नहीं गाड़ी में 3। अच्छा यहाँ से रिटर्न भी निकलता है क्या? नहीं नहीं मतलब निकलता है कि वहाँ पूछो, निकलता है ना रिटर्न मिलता है यहाँ से। कहाँ से रिटर्न निकलता है पर पहले ही बताना रहते। इसका 40 रुपया लिया है, इसका 40 रुपया लेते डॉगी, डॉगी बिल्ली चूहा, उसके साथ 1% इंक्लूडेड है क्या? नहीं नहीं उसके 1% इंक्लूडेड नहीं रहेगा, ओनली डॉग। हाँ अगर आप कोई भी व्हीकल ले जा रहे हो तो उसके साथ 1 पैसेंजर की टिकट आपको मिलेगी। अभी भागने हम जा रहे हैं बोट, हमारा कांच पीछे रह गया। आया
अपना एंट्री करने जा रहे बोट के अंदर। हाँ तो इधर इधर लाइफ जैकेट रखी हुई है और इधर भी कुछ लाइफ जैकेट रखी हुई है, फोर व्हीलर कुछ इस तरीके से यहाँ पे पार्किंग करनी होती है। एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए पार्किंग की, तभी मैक्सिमम गाड़ी आ पाएगी। अभी यहाँ पे टिकट चेकर आ चुका है, देखते कैसे टिकट चेक करती है इधर, क्या प्रोसेस है टिकट चेक करने का। और वीडियो में बने रहिए, हम दिखाए थे टिकट किसकी। हेमदसी टिकट है ना सर, टिकट है ना, टिकट मैडम टिकट। एक चेक पॉइंट है यहाँ पे, नेविगेटर बोल सकते हैं, नेविगेट कर रहा है कि इसके ठीक से ही बोट ले जाने है। गोल्डन ग्रीन कलर का ये चेक पॉइंट, ये बेसिकली नेविगेशन पर्पस के लिए यूज होता है कि किस डायरेक्शन में बोट घुमानी है। बोट में लगता है सेलिब्रेशन चल रहा है, फाइनली अभी हम वसई पोर्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देख रहा होगा आपको कितना रश है, तो यहाँ पर हमें पहुँचने में लगभग 20 मिनट लग चुके हैं। तभी यहाँ पे मैं आपको फेयर की जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे एक पैसेंजर की टिकट 30 रुपया है और बच्चे की कुछ 15 है, फोर व्हीलर का 180 और टू व्हीलर का 60, जिसमें पैसेंजर एक पैसेंजर इंक्लूड रहेगा। और इधर आप बस एसीबी ट्रक सब ले जा सकते हो, टेम्पो ले जा सकते हो, पर सब खाली होना चाहिए और एक पैसेंजर बस। और बस का चार्ज 300 रुपया है और जेसीबी ट्रक का 500 है। और वो आप देख सकते हो उधर, वो एक रखा है इमरजेंसी के, एक बोट बैकअप के लिए रखा हुआ है, जब भी क्राउड बढ़ेगा उधर ही लगेगी तब उसे भी यूज किया जाएगा। और ये सर्विस चालू हुई थी 20 फरवरी 2024 में, अभी भी इसका ट्रायल रेडी चल रहा है, एक महीना दो महीना तक चलेगा, उसके बाद कुछ अपग्रेडेशन करेंगे ये लोग। हाँ पेट्स भी अलाउड है, काऊ बफेलो डॉग कैट ये भी अलाउड है, कुछ 40 रुपया है एनिमल्स का, वो भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। इससे क्या कि वैसे ही गांव वालों को ज़्यादा बेनिफिट हुआ है कि उन्हें ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, मुंबई से डायरेक्ट कनेक्शन मिल जाता है इससे, एक ये शॉर्टेस्ट रूट है। हाँ तो जैसे हमने टिकट फेयर आपको बताया ही है, पर इधर क्या होता है कि लोग घूमने के पर्पज से आते हैं तो लोग बोट उतरते नहीं है, तो आप बोट के अंदर भी टिकट ले सकते हैं अगर आप चढ़ गए तो, कुछ ऐसा फाइन वगैरह नहीं है। बोट के अंदर आ जाओ, टिकट चेकर से आप टिकट उधर भी परचेस कर सकते हो, बस आपको वहाँ पे वो टिकट देगा नहीं, उसी हिसाब से पैर कलेक्ट करेगा। और ये उतरने वाले का पहला रिकॉर्ड करना, कैसे उतरते हैं पता। फाइनली हम पहुंच चुके हैं वसई जट्टी, यहाँ पे बोट पार्क हो रही है, सब खुश हो चुके हैं बोट को देखते ही। देख गाड़ी चालू कर दी है और वो गाड़ी वाले का रिकॉर्डिंग कर, कैसे उतरते हैं फटाफट, ये वाला रिकॉर्डिंग कर रहे कैसे बांध रहे हैं। देखते नहीं, यहाँ से बराबर आएगा, नहीं यहाँ
वहाँ पे क्या आप अटक जाओगे फिर? गाड़ी अटक चुकी है अंकल। तो अरे यार कितने बोलता चलो बच्चा उतरो आप भी उतर कर धक्का देके जाओ धक्का देके जाओ। हाँ देख रहे हैं देख रहे हैं तो ये गाड़ी स्लिप इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन अच्छा नहीं है, ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, इसके लिए गाड़ी का जो टायर है ना वो से ड्रिफ्ट करके आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो ये कुछ ज्ञान की बातें हैं जो आपको हमारे वीडियो पे मिलेगी, तो इसी के लिए हमारे वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखते हैं और गाड़ी के क्या प्रॉब्लम होते हैं। इसका बैठने के आगे पे दो गाड़ी आ सकती है। ओ, ओ, गया 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 बेचारे का नहीं आ सकता है। अभी ये होंडा को हम लोग गया कल्याण नहीं ले सकता। ये आगा पेंट्री भैया सबको चाय नहीं मिलेगा स्टाफ तो यहाँ पे सिर्फ स्टाफ के लिए पेंट्री को चाहिए, इधर पैसेंजर के लिए कुछ नहीं मिलेगा सारे भी। कैमरामैन लिंकिन दिखा दो फटाफट। जो पीछे आपको साइकिल दिख रही है ना इसका 10 रुपया लिया है साइकिल का, पर पैसेंजर का अलग है। सिर्फ साइकिल के केस में ऐसा है कि आगे ये सब केस में ना इंजरीज होने के चांसेस है, तो यहाँ पे दूर खड़े रहना चाहिए यहाँ से। हमें अचानक ऊपर से कंट्रोल कर देंगे वो आपको बिना इन्फॉर्म किए, तो इधर आपको इंजीन तो आपको यहाँ पे वार्निंग दी जा रही है हमारी तरफ से। 5:23 पे चालू हो चुका है, 5:23 पे हमारी फेरी चालू हो चुकी है। और टिकट आपने देखा कि हमने इधर से परचेस किया, पर इधर आप परचेस करोगे तो आपको कुछ कूपन टिकट जैसा कुछ मिलता नहीं है अभी के लिए, तो आप रिकॉर्ड कर लेना नहीं तो बाद में आप फंस सकते हो टिकट लेते हो। समुंदर में भी 5G आ रहा है अभी। हाँ तो 5 to 6 knots की स्पीड है, 10 किलोमीटर से कुछ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है बोट, तो वही हमें ये 20 मिनट में पहुंचा देते 3.5 किलोमीटर। अभी 40 हो रहा है, 41 हो रहा है, अभी लगाते लगाते 43 हो जाएगा, तो 20 मिनट ही लेती है, 15 से 20 मिनट नहीं ओनली 20 मिनट लेती है ये बोट। क्या हुआ? अरे नो भागो 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 अरे वो तो ये मैराथन चालू हो गया है वसई बाइंदर पोर्ट पे, बाइंदर वहां से लेके ये पोर्ट तक की मैराथन थी। ये पब्लिक है वेरी एक्साइटेड, यहाँ पे नायगांव पे भी हॉल्ट लेती है क्या बोट पर? ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट बाइंदर से वसई और वसई से बाइंदर ही आती है, नायगांव में कहीं हॉल्ट नहीं रहती है ये बोट। तो अब तक का वीडियो यही तक रहेगा, यही पे हम इसे एंड कर रहे हैं। और आपने देखा हमने बाइंदर से वसई और वसई से बाइंदर तक का जर्नी कवर किया इस फेरी से, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए बाय।